हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये देखें, हम बकरियाँ चरा रहे हैं इधर। जब तक आ गए ऊँट बेचारे, बकरियाँ तो छोटी है, जानते ही हैं, भग चुकी। और बड़ी मुश्किल होता है बकरी ऊँट चराने में। ओहो, वही साहब, माफी रो सफार। देखो भैया, बकरी में ऊँट, एक ऊँट वाला मिला सुदानी भैया, बड़ा दिन का भूला भटका, कहीं खेमा वेमा चला गया था। कोई सब अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना एम से आई वक्फ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो दोस्तों, ये देख सकते हैं इधर ऊँट ज्यादा ही हैं। कम ऊँट फिर कम ऊँट आधा जमल कम मियाँ, 100 ऊँट है और ऐसे एक आदमी, सिर्फ एक आदमी चरा रहा है। सोचो आप लोग कि 100 ऊँट एक आदमी कैसे देख लेता है। तो अभी तो ये आ गया, दिखाएंगे कभी ऊँट पे चढ़ के चलता है जैसे। और आप देख सकते हैं ऊँट के बच्चे जो होते हैं, वो लोग को शाम में दूध मिलेगा, जो कि होंगे उधर बंद होंगे। और ये सब ऊँट हैं, वो बड़े बच्चे ही हैं, देख सकते हैं। अगले साल का मेरे ख्याल से होंगे, इस साल वाले सब उधर बंद होंगे ताकि ऊँट कहीं जाने ना पाए। तो आइए करीब से दिखाते हैं। हम भी उल्टा हो गए हैं, ऊँट उल्टा जा रहे हैं, नहीं तो सूरज का थोड़ा रोशनी से धुंधलापन आता है, आप लोग को मालूम होगा। तो इसके लिए इधर के रहता ना तो इधर का सही आता वीडियो। और ऐसे वीडियो में बने रहें, बाकी आप लोग को दिखाएंगे, कभी तो कभी मिलते ही रहेगा। थोड़ा करीब में ही खेमा आया है, बता रहा है। और ये बहुत पुराना सदीक है अपना दोस्त, जो कि 5-6 साल इसको भी हो गया होगा। तो आज मिला, क्योंकि ये लोग का खेमा उठते रहता है, खेमा वाले हैं, गाड़ी वाला घर है, आज यहाँ कल वहाँ, एक महीना यहाँ रहेंगे, 2 महीना के बाद आगे निकल जाएंगे, कहीं और निकल जाएंगे, कहीं उधर बहरेन के बॉर्डर पे, कुवैत के बॉर्डर पे निकल जाएंगे। ऐसे जहाँ जहाँ घास यानी देखते हैं लोग, तहाँ तहाँ जाते रहते हैं। आप देख सकते हैं इधर ज़्यादा ऊँट हैं, जो कि उधर तक हैं और इधर से आ रहे हैं। तो ऐसे वीडियो में बने रहें। और हम आपसे क्या बताएं भैया, ये बहुत परेशानी वाला काम है, बस इतना ही समझ लो। ऊँट हो या बकरी, हमारी बकरियां तो इधर ये पहाड़ी देख रहे हैं, पहाड़ी के उस तरफ निकल गई। मैं सोचा थोड़ा वीडियो बना के तो चलते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है ये सब काम जो है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सारा दिन ये बेचारा चराते रहेगा और शाम को जाएगा तो इसी का दूध निकालेगा और रोटी बनाएगा, खजूर डाल के यानी मलिदा नुमा बना के खाएगा। और पानी लेके नहीं चलते हैं ये लोग, जब प्यास लगेगा तो दूध निकालेगा, दूध निकाल के, ये ऊँट का दूध निकाल के और पी लेगा। अभी हम भी मांगे तो अभी तुरंत खड़ा करेगा ऊँट को और निकाल के दे देगा। तो हम पीते नहीं हैं ऊँट का दूध, बकरी का दूध पीते नहीं हैं ज़्यादा करके, खास करके इसके लिए। और ऊँट का दूध का आप लोग को मालूम होगा कि दवा भी कुछ बनता उनता है, दवा के काम में आता है। तो आप देख सकते हैं ये भैया ऊँट देख रहा है हमको कि क्या कर रहा है। तो ऐसे ऊँट ऊँट चराते रहते हैं, आप लोग इधर देखें, ये सब तरफ ऊँट हैं। मारना मत भैया, नहीं तो वीडियो बनाना महंगा पड़ जाएगा। ये
देखें, बस ऐसे ही काम वम होते रहता है। देखो हमको देख के आ रहा है मारने, धाओ धाओ धाओ। देखो ये सब कांटा है इसके शरीर में कौन मुझे डर लगता है भैया। हाँ ये देख सकते हैं इधर तो।